अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई मैं आप लोग के साथ निशू खान से इंस्पायर मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मुझे ये निशू खान का मेकअप लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया था जब उन्होंने अपलोड किया, तो मैंने तभी फैसला किया था कि ये वाला लुक तो मैं ज़रूर ही क्रिएट करूँगी। और गाइज, मैं बिल्कुल भी उनकी जैसी नहीं होना, मैं उनकी जैसे बन सकती हूँ। ये जस्ट एक रिक्रिएट लुक है, सो प्लीज़ आप लोग समझिएगा कि मैं खुद निशू खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं उनका बस एक इंस्पायर मेकअप लुक करना चाहती थी। तो प्लीज़ कोई ऐसा मत कहिएगा कि मैं निशू खान बनने की कोशिश कर रही हूँ। शी इज़ वेरी गॉर्जियस, सो प्रीटी, बहुत प्यारी है माशाल्लाह, मैं उनकी जैसे बिल्कुल भी नहीं बन सकती। यहाँ पर सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र जो मैं लगा रही हूँ वो निविया का था, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अब यहाँ पर मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छा प्राइमर। उसके बाद यहाँ पर मैं मिस रोज़ की फाउंडेशन लगा रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है और काफ़ी अच्छी है। मुझे ज़्यादा मतलब मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको काफ़ी यूज़ करती रहती हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास शेड है वो बेज टू है, और ये शेड मेरी स्किन पर ऑलमोस्ट फिट ही बैठता है, क्योंकि ये थोड़ा ऑक्सीडाइज भी होता है, तो आपकी स्किन में थोड़ी देर बाद बिल्कुल ही ना, आप लोग कर लें तो एक शेड लाइटर ही लें, क्योंकि ये स्किन में ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो फिर बिल्कुल आपकी स्किन जैसी लगेगी। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं हैंग फैंग का पीच ब्लश यूज़ करी, क्योंकि मुझे लगा उन्होंने पीच ब्लश यूज़ किया हुआ है, और गाइस जो उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया उनमें से कोई एक भी मेरे पास नहीं है, सो मैं अपने ही प्रोडक्ट यूज़ करूँगी जो मेरे पास अवेलेबल है, बस उनकी हेल्प से एक रिक्रिएट लुक आप लोग के लिए अचीव करूँगी। सो मैं निशू खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं, तो उनकी ये लुक तो जब उन्होंने की थी तो मेरे दिल में ही बैठ गई थी कि मैं तब फैसला किया था कि ये वाली लुक एक दिन तो मैं ज़रूर रिक्रिएट करूँगी। सो फाइनली आज वो दिन आ गया और मैंने ये लुक रिक्रिएट कर ली, और माशाल्लाह से मुझे बहुत पसंद आई है। अब यहाँ पर मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। जो जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं साथ साथ आप लोग को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इस शेड की हेल्प से अच्छी तरह से अपनी क्रीज को मतलब ब्लेंड कर लूँगी। वो तो ब्लेंडिंग हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी से ब्लेंडिंग होती है हमारा मेकअप उतना ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं अब दूसरा साफ ब्रश लेकर अपने कलर को अच्छी तरह से ब्लेंड करी। यहाँ पर मैंने पर्पल शेड लेकर अच्छी तरह से अपने लिड पर लगा ली, और गाइस उन्होंने जो पैलेट यूज़ की थी वो द ब्यूटी की थी, मगर वो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसलिए कलर को मिक्स एंड मैच करके ही लगा रही हूँ। और एग्जैक्ट उनकी तरह कलर होंगे भी नहीं, बस थोड़े बहुत सिमिलर होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट पैलेट तो मेरे पास नहीं थी ना ही शेड थे, तो मैंने बस अपने पास से ही ऐसे जुगाड़ करके आई मेकअप किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा मैं जो लगा रही हूँ वह है मेबलिन का, और जो मैंने आईज पर लगाया है वो ग्लिटर, वो डस्ट है क्रिस्टीन ब्रांड के, काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे लगा उन्होंने आईज पर इस तरह का ही कलर लगाया था, थोड़ा इस तरह का ही लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर लगाया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये वाला कलर तो मुझे लगा कि एग्जैक्ट सेम ही है जो मैंने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए लगाया। इसके बाद यहाँ पर मैंने लोअर लैश लाइन में लूज पाउडर लगाकर अपने आईब्रो को फिल किया है। अब यहाँ पर मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ सारा लूज पाउडर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेस ऑलमोस्ट मेरी तैयार हो चुकी है, जो मैंने फाउंडेशन लगाई थी वो मेरे बिल्कुल ही स्किन में मैच हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आईलैशेस लगा रही हूँ। आईलैशेस लगाना मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, मगर यहाँ पर मैंने इस लुक के साथ लगाई हैं, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत प्यारी लगी कि यहाँ पर अब मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ, और ब्लश मैंने थोड़ा सा पाउडर ब्लश भी लगाया था ताकि सेम लुक आ सके उनकी, जैसे उनका ब्लश थोड़ा डार्क था। अब यहाँ पर मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ अपने फेस पर। उसके बाद यहाँ पर मैंने इस हाईलाइटर को भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है, क्योंकि ब्लेंडिंग मेकअप में बहुत अच्छी लगती है मुझे, मुझे ब्लेंड मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मुझे लास्ट में याद है कि मैंने तो अपने फेस को कंट्रोल किया ही नहीं, तो यहाँ पर मैं अपने फेस को कंट्रोल कर रही हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास सेम लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं थी जैसी उन्होंने लगा रखी थी, तो मैंने ये वाला ब्लश अपने लिप्स पर अप्लाई कर लिया, और ये शेड मुझे लगा फिर उनकी जैसा भाई उनके जो लिप्स थे भी उनकी लिप्स के लिपस्टिक की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने एक और लिप टिंट लिया है, अपने लिप्स पर लगाया। उसके बाद मुझे लगा थोड़ा बहुत कि हाँ अब लिपस्टिक का शेड थोड़ा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर दो शेड मिलाकर ही मैंने लिपस्टिक बनाई है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम कलर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। तो अब यहाँ पर फाइनल लुक आप लोग के सामने, आप लोगों ने नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को मेकअप ट्यूटोरियल, मैं उनकी जैसा लुक क्रिएट कर पाई हूँ या नहीं, ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।